सजनवा थाना क्षेत्र के घकसरा चौकी क्षेत्र में विवाहिता महिला से नाजायज संबंध युवक को भारी पड़ा। दरअसल विवाहिता महिला से चोरी से मिलने गए युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों ने साथ मिलकर लाठी डंडों से युवक की पिटाई की। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल में घायल युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के पिता ने विवाहिता महिला के पति और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से महिला के देवर और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक युवक का विवाहित महिला से नाजायज संबंध की बातें सामने आ रही हैं। मामला सहजनवा थाना के घकसरा चौकी क्षेत्र के लखना पार गांव का है, जहां पिंटू कन्नौजिया देर रात में विवाहिता महिला से मिलने गया था, जहां महिला के पति ने उसे अपनी पत्नी के साथ देख लिया, जिस पर महिला के पति का भाई और पिता ने साथ मिलकर युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी। वहीं घायल युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक के पिता ने इस मामले में महिला के पति और उसके परिजनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के देवर और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिजन धोखे से घर पर बुलाकर युवक की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस मामले में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि महिला और मृतक युवक के बीच के संबंधों की पड़ताल करने के साथ ही दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मृतक के पिता ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच के बाद जो आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, चलो पहले किनारे चला खजांची प्रताप। लखना पार से पूनम नाम की औरत आई थी घर पे, खाना लड़के को दी, उसके बाद चली गई और उसने बोली कि 9 तारीख को हमारे घर आ जाना और जो है वहीं पे रहना। उसके बाद हमें पता नहीं लगा, 1 बजे पुलिस गई, हमें पता लगा, फिर भाग के आए सदर में। सदर में जैसे आए तब से लड़के की मृत्यु हो गई। क्या लगता है कौन किया होगा? उसके देवर हैं, उसके गांव वाले हैं, औरतें भी हैं उसके देवर की, जो पूनम है उसके देवर दो हैं, उसके दो औरतें, एक औरतें सास भी थे, ससुर भी था, और ये लोग मिल कर के और कुछ अन्य लोग गांव के थे जो मारे। लड़के की बीवी नहीं है, आप पे है, लड़के की बीवी घर पे नहीं है, मायके में अपने अपने घर रहती है। हाँ, अपने घर रहती है, 1 साल पहले से ही घर रहती है। आपके लड़के की बच्ची भी है? हाँ, लड़के की बच्ची हमारी है, खुशी नाम है, 3 साल की है। बच्ची यहीं रहती है? हाँ, बच्ची यहीं पे है। आपकी पत्नी मायके क्यों रहती है? बहू से वो दो कुछ गलत लाइन की थी या चोरी से, घर पे कोई नहीं था, सामान जेवर जेवरात लेके भग गई, जमाने के लिए गए तो बोली हम वहाँ तो नहीं जाएंगे और हम दूसरे जगह जाएंगे। कई बार कोशिश किए, नहीं आई, तो बच्ची को मांगे तो बोली बच्ची को नहीं देंगे, फिर बाद में बच्ची को दे दी, 13 महीने की बच्ची थी, आज 3 साल से ऊपर हो रहा है, आपके सामने है, मैं पाल रहा हूँ। बहुत बार गए, नहीं आने के लिए तैयार है, तो बताइए कैसे ले आएंगे, अगर ले भी आएंगे तो फिर भग जाएगी, क्या करेंगे? हाँ, युवक की मृत्यु हो गई है, पुलिस द्वारा उसे ले जाया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ से मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आ रहा है कि प्रेम संबंधों में इनकी जो है, जिससे इनका प्रेम संबंध था उसके परिजनों द्वारा क्षुब्ध होकर इनके साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप जो है इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, मुकदमा पंजीकृत है,